गाई तो टाइम हो गया है, वो 7 बज गए हैं, 10 मिनट बाकी हैं। मैं नहा ली हूँ और आज अष्टमी का कंचन पूजन करेंगे, तो मैं मतलब जल्दी तो नहीं उठी आज, हम लेट उठे, 6 बजे उठे थे। उसके बाद चाय वगैरह बनाई, बच्चों को दूध वगैरह दिया, किचन साफ करके अभी मैं लग गई हूँ। जस्ट मैंने खीर बनाने के लिए यहाँ पर रखी हुई है, और ये है वो खमीर जो पूड़े बनाऊंगी, पूड़ियों का आटा लेकर आ गई हूँ, छोले की सब्जी बनाऊंगी। और कल बर्थडे था ना, इस वजह से ऐसा हो रहा है, अंदर तो रंग पेंट चल रहा है, जिसके बर्थडे की वजह से पूरा घर में बैलून वगैरह और बच्चों ने पता नहीं रात को ऐसे बहुत मेसी हो रहा है। अंदर का तो था ही, बाहर के 2 रूम थे वो भी बहुत मेसी, ऐसा बिखर रहा है जैसे शादी फंक्शन होते हैं ना, इस तरह से। तो उनको समेट रही है बेटी, और बाहर का और किचन का पोचा मैंने लगाया, मतलब आंगन में जहाँ पर कन्याओं को खाना खिलाएंगे, क्योंकि जगह है ही नहीं, दोनों रूम तो भरे पड़े हैं। अंदर का बहुत गंदा है, अभी आज और लग जाएगा अंदर टाइम, क्योंकि डिजाइन वगैरह बनाएंगे वॉल पर, तो अंदर का टाइम आज और लग जाएगा। तो एक बार आपको बाहर का दिखा देती हूँ, यहाँ पर मैंने लगा दिया है, यहीं पर ही कन्या पूजन कर लेंगे। यहाँ पर बहुत सारी चिट्टियाँ निकल गई थी, तो अभी हमने हीटर यहाँ पर लगाया है, देखो कितनी सारी चिट्टियाँ। तो ये पोचा मैंने लगा दिया, वहाँ का सारा पड़ा हुआ है दोनों रूम का, और अंदर का तो आपको पता ही है, अभी डिजाइन बनाएंगे यहाँ पर। सुबह देखने लग गई फोन, कितनी गंदी हालत हो रही है। तो यहाँ पर मैं हलवे के लिए कढ़ाई को रख दिया है, फटाफट से हलवा बना लेती हूँ। खीर रखी हुई है साइड में, और मैंने पहले ही खमीर पूड़ा बनाने के लिए तो वो ठंडा हो चुका है, अभी मैं आटा लेकर आई हूँ, और तो फटाफट से हलवा बनाती हूँ, उसके बाद पूड़ी का आटा लगाऊंगी, और गुलगुले के लिए जो खमीर है उसको आटे में भिगोकर, मतलब जो पूड़े बोलते हैं कुछ लोग, गुलगुले बोलते हैं, हमारे यहाँ पर गुलगुले भी बोल देते हैं, पूड़े भी बोलते हैं, आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं, सबका अलग अलग होता है। तो देसी घी डाल दिया है कढ़ाई के अंदर, हलवा बनाऊँगी सूजी और आटे का मिक्स, क्योंकि मुझे आटे का हलवा बहुत पसंद होता है, और माता रानी का जो बोलते हैं कि आटे का हलवा ही बनाना चाहिए, क्योंकि सूजी होती है ना, मुझे इतना पसंद नहीं आता सूजी का हलवा, आटे के हलवे में ज़्यादा सा घी डालकर आटे का हलवा देना चाहिए कन्याओं को, और चने का भोग लगाना चाहिए। तो मैंने काले चने तो नहीं भिगोए थे, बट छोले की सब्जी बनाई है, तो उसी में से चने रख लूँगी और वो कन्याओं को दे दूँगी। तो यहाँ पर दीदी अपने काम में लगी हुई है, आज बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि अंदर रंग पेंट हो रहा है ना, तो इतना मज़ा नहीं आ रहा। कन्याओं को बुलाने के लिए जाएंगे, बहुत मुश्किल से कन्याएं मिलती हैं आजकल, क्योंकि अष्टमी पर ही ज़्यादातर लोग कन्याओं को भोग करवाते हैं, तो बेचारी सुबह सुबह ही 5 बजे ही चली जाती हैं, और फिर बिल्कुल भोग लगा कर ही जाते, कुछ भी नहीं खाती। तो ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी, क्योंकि आज हमारे यहाँ पर चूल्हा नोत आ रहा है, मतलब कोई माता का भंडारा करेंगे, तो भंडारे में खाना खा के आएंगे, घर के नज़दीक ही है तो सारे वहीं पर खाना खा के आएंगे, बट फिर भी हलवा ज़्यादा ही बन जाता है, क्योंकि काम वाले लगे हैं तो उनको दे देंगे। दो ही भैया हैं जो लग रहे हैं काम में, तो बट एक्स्ट्रा बना रही ही हूँ, बाद में बहुत सारा बच गया था, क्योंकि हमने सुबह थोड़ा बहुत लिया था, मतलब माता का भोग तो भाई ज़रूरी होता है। फिर हम 2-2.5 बजे के करीबन मतलब भंडारे के अंदर जिम कर आ गए, जिया जी और हस्बैंड ने तो कुछ भी नहीं खाया, फिर भंडारे में ही खा कर आए थे, तो बहुत सारा खाना बच गया था, भैया को भी दे दिया था हमने, इन दोनों भैया को, और फिर भी बहुत सारा खाना वेस्ट गया था। तो सब्ज़ी वगैरह भी सारी बच गई थी, क्योंकि बासी सब्ज़ी फिर कोई खाता नहीं है रात को, फिर कुछ अलग ही बनाना पड़ा। हलवा वगैरह बनाने के बाद मैंने तेल को गरम पहले ही रख दिया था, तेल अच्छे से गरम हो चुका था, पूड़े भी बना लिए हैं बहुत सारे, कुछ बचे हुए हैं तो ये बना लेती हूँ। मैं बोल रही थी बाद में, अब एडिटिंग कर रही हूँ, क्योंकि मैं बोल रही थी कि आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ पर गुलगुले बोलते हैं, तो कुछ जगह पर कुछ बोलते हैं भाई, सबका अलग अलग होता है, कुछ मीठे मालपुए भी बोलते हैं। तो बच भी गया था जो मैंने पूड़े थे, बहुत सारे भी बन गए थे, उसके बाद हमने फेंकने ही पड़े, क्योंकि 2-3 दिन के बाद ख़राब हो जाते हैं, मतलब अभी थोड़ा गर्मी का मौसम है, ज़्यादा ठंड नहीं आई है, तो 1-2 दिन तो खा लिए थे, अच्छे लगते हैं वैसे, घूमते फिरते काम करते करते खा लेते हैं, तो बहुत सारे बन गए थे। कन्याओं ने तो एक एक मुश्किल से खाया था, वो भी मैंने ज़बरदस्ती की, बोली आंटी पेट भरा हुआ है, पेट भरा हुआ है, बहुत मुश्किल से कन्याएं मिली मिली नहीं रही थी, और बाहर बैठ कर इस बार कन्याओं को भोग करवाया, क्योंकि अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा है भाई, घर में एक बार काम चल जाए तो बहुत मुश्किल से ख़त्म होता है। उन्होंने 5 दिन का नाम लिया था, लेकिन 15 दिन लग जाएंगे, और 15 दिन तक घर ऐसा चिकचिकाट रहता है, रोज़ मतलब पोछा वगैरह लगा भी लेते हैं, बट वो नहीं रहता, बाहर का तो मैं रेगुलर लगा रही हूँ, अभी अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा है। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें भोग की बना ली थी, अभी पूड़ियाँ बनाना बाकी है, बस सिर्फ भोग की बनाई थी, तो मैं पहले पूजा कर लेती हूँ। हस्बैंड को भेज दिया था कन्याओं को लेने के लिए, क्योंकि बहुत मुश्किल से मिलेगी, कहाँ मिलेगी, 4 कन्याएँ तो हमारे घर की हैं ही, एक भांजी आ रही, 2 बेटियां हैं और एक
एक भांजी और है, तो चार तो हमारी पड़ोस अड़ोस में ही है, लेकिन 9 या 10 11 कन्याएं तो होनी चाहिए, तो बुलाने गए हैं अभी। 2 लाकड़े बैठा देंगे, इस तरह से टोटल 11 कर देंगे। बेटी ने भी मतलब 2 फास्ट रखे थे, तो इसलिए उसको भी मैंने नहाने के लिए बोल दिया था, वो नहा कर आ गई है और वो भी पूजा में साथ बैठ गई है। साइड में मेरी बेटी बैठी है, तो बच्चे वगैरह नहा लिए थे सुबह सुबह ही। अभी जो टाइम हो रहा है वो 7:30 बजे का हो रहा है, और हम जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फिर वो काम वाले भैया 9 बजे के करीबन आ जाएंगे। इस बार दीदी वगैरह की छुट्टी थी, इस वजह से मतलब थोड़ा हमने लेट कर दिया, अदरवाइज़ स्कूल जाना होता है तो और भी जल्दी सुबह 4 बजे उठकर ही लग जाती हूँ। 6 बजे 7 बजे तक कन्या को मतलब भोग करवा के बच्चों को स्कूल भेजना होता है, तो इस बार बच्चों की छुट्टी थी तो इसलिए मैं लेट स्टार्ट किया था, 6 बजे स्टार्ट, 5:30 6 बजे स्टार्ट किया था नहा धोकर। तो अभी मिल जाएगी, और सुबह वो 9:30 बजे 9 बजे के करीबन आते हैं काम वाले, क्योंकि फिर दिक्कत आती है, वो इधर उधर घूमते हैं तो बच्चों को बिठाने में कहाँ पर बिठाएं, सब जगह पर काम बिखरा पड़ा हुआ है, तो इसलिए जल्दी से करने की। और 2-3 पहले आंटी खड़ी थी कि तुम्हारे करने आए तो हमारे भी भेज देना। तो यहाँ पर मैं पूजा करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो कन्या ये आ गई, आई नहीं है, और मैं पूड़िया बनाने के लिए मतलब तेल अच्छे से गर्म हो गया था, पूजा वगैरह करने के बाद पूड़िया बना लेती हूँ। और मैंने सोचा कि मतलब भाई कन्याएँ आएंगी तो खाएंगी कुछ, तो मैंने बहुत सारी पूड़ियाँ बना भी दी थी, बट उसके बाद जब कन्याएँ आई ना तो उन्होंने एक एक पूड़ी मुश्किल से खाई थी, और ये भी इतनी सारी बच गई थी, मैंने और दीदी ने खाया था। मेरी बेटी दोनों मतलब यहीं से ही कन्या ये लेने के लिए पहले ही 2-3 आंटी खड़ी थी, तो वो लेकर चली गई, तो 4-5 घरों में आज तो मतलब इतनी पूछ होती है लड़कियों की, इतनी पूछ होती है कि भाई लेना देना भी आजकल बहुत हो गया है। जब हमारे टाइम में हम जाते थे, हम भी ऐसे होते थे, इस दिन पर तो मतलब बहुत मुश्किल से कन्याएँ मिलती, हम 10-10 घरों खाना खा के आते थे थोड़ा 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 करके, और इस तरह से पूरा दोपहर तक हमारा यही होता था, अष्टमी वाले दिन पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता था। उस टाइम पर 2-2 रुपए 5-5 रुपए ऐसे देते थे, 10 रुपए तो कोई 1-2 देते थे, नहीं देते थे हमारे टाइम पे। और आजकल तो 50 रुपए 100 रुपए 20 रुपए से नीचे नहीं देते, तो कन्याओं की अच्छी खासी मतलब वो हो जाती है, कह सकते हैं आप कमाई। तो यहाँ पर कन्या मुश्किल से कन्याएँ मिल गई थी, 4 कन्याएँ बाहर से आई थी, 4 हमारे घर की थी, 1 लाकड़ा बैठा दिया मैंने मेरे बेटे को, तो टोटल 9 ही हुए मुश्किल से। ये छोटी सी थी, ये कुछ भी नहीं खा रही थी, तो मैंने इनको हाथ से खिलाया, बेटा भोग तो लगा लो, आंटी भूख नहीं है, भूख नहीं, क्योंकि 2-3 घरे पहले ही खाना खाकर आ चुकी थी। उसकी बड़ी बहन बता रही थी कि आंटी हम 5 बजे ही उठा कर ले गए थे, सो रहे थे उसी टाइम पर, किसी आंटी ने हमें जल्दी उठाकर खाना खिला दिया है, तो हम 2-3 घर पहले ही खाना खाकर आ गए, हमें भूख नहीं है। बट मैंने पहले इनका बहुत कम कम डाला था, बहुत ही ज़्यादा कम डाला था, इस वजह से ताकि छोड़े ना, बट फिर भी सब ने छोड़ दिया था। जो छोड़ा था वो मैंने एक प्लेट के अंदर इकट्ठा करके, मतलब हमारी बहस है तो उसी के अंदर को मतलब खोर में डाल दिया था। देखो सारा छोड़ दिया है, बच्चों ने बहुत कम खाया है। और बैलून थे, रात को बेटे का बर्थडे था ना, तो ये बैलून सारे बच्चे बैलून में, बैलून बाद में दे दूँगी, बहुत सारे बैलून थे क्योंकि इतने सारे थे, और ये बैलून की क्वालिटी इतनी अच्छी थी, ये पूरे फूटे नहीं थे। कन्याओं को खाना वगैरह खिलाने के बाद मैंने बर्तन वगैरह साफ़ किए, और अभी आप बच्चे देख सकते हैं, इतना सब कुछ खाने के बाद, इतने घर खाना खाने के बाद भी दोपहर में जिद करने लग गए कि हमें खाना है चाउमीन बर्गर, तो मैंने इनके लिए मंगवाया है चाउमीन बर्गर, तो यहाँ पर बच्चे खा रहे हैं मस्ती से। मैं बोल रही थी कि जब 4 बच्चे 5 बच्चे इकट्ठे हो जाएँ तो कुछ इस तरह का नज़ारा रहता है। 2 भांजे 3 भांजे भांजी आ रहे हैं, और 4 हमारे हैं, 7 बच्चे हैं टोटल। तो यहाँ पर मैंने कुछ ने बर्गर मंगवाए थे, कुछ ने मोमोज मंगवाए थे, तो सभी के लिए 200 रुपीज़ के ये मंगवा कर इनको करवा देती हूँ, कि कैसे ना कैसे करके बच्चे चुप रहे हैं, क्योंकि शैतानी ना करे घर में काम चल रहा है, सब कुछ फैला रहता है। कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। सुबह के बज चुके हैं 6:30, और मैं यहाँ पर दूध बिलो रही थी, तो सोचा लोग स्टार्ट कर लेती हूँ। घर आपको सारा उथल पुथल दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि घर में पेंटर जो पेंटिंग का है वो काम चल रहा है, तो अंदर का सारा कर दिया है, तीनों रूम और हॉल को फिनिश कर दिया। उसके बाद जितना भी किचन वगैरह का सामान था वो अंदर लिया है। कल पूरे दिन हमने किचन के जितने भी डब्बे वगैरह बर्तन वगैरह थे वो धो धो कर रखे हुए हैं, जो बेड था वो एडजस्ट कर दिया है। अभी अलमीरा लगेगी इस रूम में, इस वजह से सामान हमने चारपाई के ऊपर और बेड के ऊपर ही रखा हुआ है, क्योंकि कुछ तो करना ही, अभी बाहर के रूम भी खाली करने, आज किचन और बाथरूम होगा। कल पूरे दिन ऐसा ही निकल गया, नहाए नहीं थे, अभी सुबह सुबह बेटी नहा चुकी है,
मैं नहाऊंगी, पानी लगा के आई हूँ और ये जितने भी डब्बे वगैरह हैं यहाँ पर रख दिए हैं। बहुत मुश्किल हो रहा है, अंदर ही गैस वगैरह रखा हुआ है, तो मतलब काम तो निकालना है अपना। बर्तन वगैरह टब के अंदर डाले हुए हैं तो निकालने में